हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सरसाइज 8.1 के बाद आपकी एक्सरसाइज 8.2 और उसके एग्जांपल्स लेके आऊंगा, तो सबसे पहले आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्री की जो एग्जांपल्स हैं, मतलब 8.2 एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेज नंबर एनसीईआरटी की पेज नंबर 185 पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जो कि बी पर 90 डिग्री है, राइट एंगल डेट बी। बाकी ए और सी आप कहीं भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपसे बोला हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी आपको कितना दिया हुआ है 5, और आपको एंगल ए सी भी 30 दिया है। ए सी भी कितना होगा, यहाँ पे होगा, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपको BC और AC ये दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, BC और AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हम ABC ट्राइंगल में लगाएंगे। देखिए, ये देखिए कि आपको चाहिए क्या और दिया क्या है, ठीक है। आपको BC निकालनी है। BC का मतलब है, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो ये BC इसके एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि ये एंगल जो है बीसी बेस पर गिर रहा है ना, बेस हो जाएगा। और एंगल के सामने यानी कि ये मुझे क्या दिया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता होना चाहिए, पी और बी किस रेशियो में आता है ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो आता है टेन थीटा में, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कॉट आता है बी अपॉन पी। तो बेटर है कि हम टेन थीटा लगा लें। यानी कि अगर मैं यहां आपसे बात करूं कि मुझे एंगल ए सी बी के हिसाब से, मैं दो मिनट के लिए यहां लिख लेता हूं, टेन ऑफ एंगल ए सी बी, टेन ऑफ एंगल ए सी बी ही लिखूंगा, थीटा लिखूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए सी बी इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं इसे थीटा मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला एक तरीके से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों, यहां पे एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये दिया है ना, तो मैंने 30 डाल दिया। परपेंडिकुलर कितना है 30 के अकॉर्डिंग, 5, और बेस कितना है हमारे पास में, बी सी। टेन थर्टी की वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, 1/√3 होती है। तो ये हमारे पास में यहाँ से बी सी निकल के आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर निकल के आ गई बी सी साइड। अब पूछिए ए सी, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है, अब ए सी कैसे निकालेंगे, हमें कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कौन सा रेशियो लेना है। देखो, आपको यही चीज़ तो देखनी है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। जैसे ए सी निकालना है, आप अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो तो भैया ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, 90 के सामने है, ये तो चेंज हो नहीं जाएगा। अब आपकी मर्जी है, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, चाहे इसके या फिर इसके। चलो मैं इसके हिसाब से ही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, जो निकालनी है। तो पी और एच किस में आता है, ये सारे बच्चे आप जानते होंगे, साइन थीटा में, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए सी बी अगर मैं लगाता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई साइन थीटा लगाया है, थीटा की जगह लेकिन एंगल ए सी बी रखा है, ठीक है। तो यहां पे एंगल ए सी बी की जगह आ जाएगा 30, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी, ए सी ही तो निकालनी है। यहां पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 5 अपॉन ए सी। तो बच्चों ए सी कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका यहां पे एग्जांपल नंबर 6 ऐसे करके पूरा फिनिश होगा। सभी देखेंगे ये एग्जांपल नंबर 7 लिखा हुआ है मैंने। देखिए क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू। मर्जी है आपकी, पी और आर को आप कहीं भी बना लीजिए, Q पर 90 डिग्री, लेकिन पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। आपसे बोला हुआ है एंगल क्यू पी आर फाइंड कीजिए, क्यू पी आर कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा क्यू पी आर, और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल को मेंशन कर दिया मैंने यहां से। देखिए, मैं पहले इस एंगल को फाइंड करूंगा, एंगल क्यू पी आर, पहला एंगल यही तो पूछा है।
एंगल क्यू पी आर जब ये फाइंड करूंगा, दो मिनट के लिए अपने मन में इसे एक्स वाई या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मत मानना क्योंकि क्यू पहले से दिया, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, दोनों एक जैसे ही लिखने ले होते हैं ना, इसीलिए छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, क्यू पी आर से ही डिनोट करेंगे। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। भाई जो चीजें गिवन है वहीं से तो आंसर आएगा, यानी कि ये एंगल की बात करूं तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, और बी और एच किस में आता है आप सबको पता है, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि मैं इस ट्राइंगल में फिलहाल मैं लगाऊंगा कॉस ऑफ एंगल क्यू पी आर, गलत तो नहीं है भाई, मैं कॉस थीटा लगा रहा हूं लेकिन थीटा की जगह एंगल का नाम लिख रहा हूं क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चैप्टर जो एक्सरसाइज चल रही है वो स्पेसिफिक एंगल्स मैंने आपको सबको सिखा रखे हैं, टेबल भी बनवाई है, अगर आपको टेबल बनानी नहीं आती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने टेबल बनवाई है और उसकी एक ट्रिक भी सिखाई है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, समझनी है बस कि टेबल कैसे बनती है, ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 के वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो कॉस ऑफ एंगल में 1/2 आ रहा है, कॉस में 1/2 एंगल कितने डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है, कॉस 60 क्या होता है 1/2, यानी कि स्टूडेंट्स आप एक मुझे बात बताइए, ये मैंने एंगल ऑफ, ये मैंने कॉस ऑफ एंगल क्यू पी आर ही लिख लिया, लेकिन जब मैं कॉस 60 को 1/2 लिख सकता हूं तो क्या इस 1/2 को कॉस 60 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी इसे ऐसे कैंसिल मत कीजिएगा, रेशियोज को कभी काटते नहीं है, जस्ट ये हट जाते हैं, बस क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहला एंगल तो ये फाइंड हो गया, ठीक है, रेशियो को कैंसिल मत कीजिएगा, हटा दीजिएगा, बस क्यू पी आर आ गया 60। अब निकालेंगे हम यहां से पी आर क्यू, तो कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 है, ये 60 निकल ही आया है तो वो 30 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगेन निकालने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, देखिए ये एंगल निकालना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के अकॉर्डिंग यही वाला तो निकालना है पी आर क्यू, तो पी और एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, पी और एच किस में आते हैं बच्चों, साइन में, यानी कि साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन 3/6 मतलब 1/2। अब मैंने आपको सबको बताया था कि साइन में 1/2 एंगल कितने का होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 1/2 तो 1/2 साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा और एंगल पी आर क्यू आ जाएगा आपका यहां से 30 डिग्री, क्लियर हो चुका होगा, तो पी आर क्यू आ रहा है 30 देख लीजिए और क्यू पी आर आ रहा है 60, तो ऐसे करके हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ है और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, आपको एक तो ये वैल्यू दी है, एक कॉस ए प्लस बी 1/2 दिया है और आपको बोला हुआ है कि जो ए प्लस बी है वो पूरा टोटल दोनों का सम जीरो से तो बड़ा है लेकिन 90 या 90 से छोटा है, ऑब्वियसली वो तो हो गई है ना, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री पे होगा ना, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इससे ये तो समझ में आ गया कि इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाते भी हैं, सपोज वैसे इसमें जरूरत नहीं है आप मत बनाइए, बनाते भी हैं तो ये तो पक्का है कि ए और बी एक्यूट है मतलब सी 90 डिग्री पे बनेगा, बट जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे। देखिए क्या गिविन है आपको, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब मैं आपको यहीं से स्टार्टिंग करता हूं, आपको ए और बी निकालना है, ए और बी तो जब निकलेगा ना जब यहां से साइन हट जाए, क्योंकि ए और बी क्या है इस समय तो साइन के हिसाब से एंगल है बेचारे, तब निकलेंगे जब यहां से ये साइन जो रेशियो वो हटना चाहिए। तो अब बच्चों आप याद कीजिए कि साइन में 1/2 कितने एंगल की वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सही है, तो मैं 1/2 को साइन 30 भी तो लिख सकता हूं, साइन से साइन वही कैंसिल हो जाएगा, करते नहीं है हटा देते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, सही है।
अगेन। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। भाई हमें यही तो दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस में 1/2 डिग्री, वो सॉरी 1/2 की वैल्यू किस एंगल की होती है, कॉस में 1/2 60 की होती है मेरे हिसाब से, कॉस 60 1/2 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से सिखाया चैप्टर नंबर 3 में, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक लाइन लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 है, यही तो दी हुई है दोनों इक्वेशंस, लिख ली। एलिमिनेशन में बताया है ना, जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, साइन ऑपोजिट होते हैं, तो जस्ट ऐड कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा a और a, 2a और ये 90। तो स्टूडेंट्स a आ जाएगा 45 डिग्री, a जो 45 आया है उसे कहीं भी पुट कर दीजिए आप, पुट a इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 2, कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड आपकी मर्जी है। चलिए ए की जगह यहाँ 45 रख दीजिए, अब सेकंड में कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे बच्चों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ये लीजिए, तो हमारे पास में ए आ चुका है 45 और बी आ चुका है 15, और ये यहाँ से दोनों वैल्यूज खत्म होती हैं। तो ये इस 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 8। आई होप आपको पूरा का पूरा निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा और आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे जब भी मैं वीडियो डालूं। और मैं अपने पेजेस के लिंक दे दूंगा, चाहे वो अनअकैडमी पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक पेज हो, आप मुझे वहाँ भी जो है फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अनअकैडमी पर मैं बच्चों आपको बता दूं तो 20 अक्टूबर से मैं जो है, इसी 20 अक्टूबर से एक कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूँ मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 10th। तो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं, 20 से लेके पूरा 31 जनवरी तक चलेगा, 3.5 महीने का कोर्स होगा जिसमें मैं पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स कराऊंगा आपको क्लास 10th की। तो आपका जो है वहाँ पे 100 में से 100 के लिए तैयारी रहेगी। तो जो भी बच्चा आना चाहे आ सकता है, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकता है, मैं अपने पेज का लिंक दे दूंगा और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ना हो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें, मोहित ए, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को ज्वाइन होना है तो, मोहित ए, ठीक है, क्योंकि आप नाम तो जानते ही हैं, मोहित अग्रवाल है, स्पेस मत दीजिएगा इसमें, मोहित ए पूरा रेफरल कोड आप ये यूज करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और मेरी कैटेगरी है NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी, आप उसी में सब्सक्रिप्शन लें, मैं उसी में सिर्फ पढ़ाता हूँ, NTSC एंड फाउंडेशन ओलंपियाड कैटेगरी। तो चलिए खैर, जो भी बच्चे आना चाहें, कोई फोर्स नहीं है भाई, जो भी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।